हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे आपको पटना वुमेन्स कॉलेज का बीएमसी पीसीए एमबीआईओ का सेकेंड मेरिट लिस्ट वो जारी हो चुका है। आप लोग देख लीजिए किसका किसका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है, ठीक है। उसके साथ आपको इसके बाद आपको अदर जो बीकॉम का मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके बाद आपको बीएससी का, फिर बीए का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो यहाँ पे जो आपको एडमिशन लेने की प्रक्रिया है वो सब सेम है इसके पहले जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में दिया हुआ था, बस आपको जो डेट है वो चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे सब सेम है। आपको क्या चाहिए, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ साथ ओरिजिनल मार्कशीट आपको ले जाना पड़ेगा और उसका एक जेरोक्स कॉपी। सेकेंड में अगर आपके पास मार्कशीट है, मार्कशीट के अलावा अगर कोई आपके पास जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर नहीं भी है तो उसके लिए अंडरटेकिंग से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अगर बीएससी बोर्ड से अगर कोई नहीं है तो उसको माइग्रेंट सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी है, नेसेसरी है। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा जनरल कैटेगरी को छोड़कर। और उसके बाद यहाँ पे आपको अगर क्रिश्चियन है तो बैप्टिज्म सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद ब्लड ग्रुप प्रूफ चाहिए। यहाँ पे आपको फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको यहाँ पे मास कम्युनिकेशन बीएमसी के लिए 41,050 रुपीज़, पीसी कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 34,960 रुपीज़ और माइक्रोबायोलॉजी के लिए 37,280 रुपीज़। तो ये आप लोग देख लीजिए। उसके बाद ये सब सेम है पिछले जैसे ही। यहाँ पे आपको इट में दे रहा है कि कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर एडमिशन ऑन द स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। आप सभी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जो भी आपकी रिजल्ट के ऊपर जो आपका रोल नंबर दिया होगा उसके ऊपर एक स्पेसिफिक डेट और टाइम दिया है, उसके हिसाब से आप लोग एडमिशन ले लें। अगर कोई कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले पाता है तो उसके लिए हर सीट रिमेन कैंसल्ड एंड नो क्लेम विल बी इंटर्ड देयर आफ्टर। उसके बाद आपको कोई क्लेम नहीं लिया जाएगा, आप वो सारी जिम्मेवारी आपकी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ऑनलाइन ओरिएंटेड प्रोग्राम होने वाला है 1 अक्टूबर 2020 को 10 बजे सुबह में, तो आप लोग उसको ज्वाइन करें, ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर में आपको 45% मार्क्स चाहिए। 12th बोर्ड में अगर कोई SC ST कैटेगरी से है, 50% जनरल वालों के लिए चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कंपार्टमेंटल और पेंडिंग रिजल्ट वालों के लिए एलिजिबल नहीं है अगर वो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर भी लिए हैं तो। तो यहाँ पे देखिए आपको MBIO का यहाँ पे बैचलर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का एडमिशन डेट है 28/10/2020, ठीक है। यहाँ पे जिनका रोल नंबर है उनका एडमिशन डेट 28/10/2020 है। उसके बाद यहाँ पे BMC का एडमिशन डेट 28/10/2020 ही है यहाँ पे। उसके बाद BCA का देखते हैं, BCA का भी 28/10/2020 ही है यहाँ पे दिया हुआ है एडमिशन। उसके बाद रोल नंबर यहाँ पे दिया है, आप लोग चेक कर लीजिए रोल नंबर एडमिट कार्ड से देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।